देखते रहो। हम जा रहे हैं बोरिंग रोड चौराहा की ओर, काफ़ी दूर तो नहीं कह सकते इसे, हालांकि समय लग रहा है ट्रैफिक के काफ़ी ज़्यादा बढ़ने से। शाम का समय है, पर हम कोशिश करेंगे जल्दी पहुँचे, आपको वहाँ का दृश्य दिखाएं। वहाँ काफ़ी भव्य मंदिर है हनुमान जी का, और साथ साथ आप देख सकते हैं ये रोड काफ़ी प्रचलित रोड है ये पटना का, इसे बोरिंग रोड कहते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं बोलने के लिए, अभी हम ब्लॉगिंग करना हमने शुरू किया है। जो भी गलती होगा माफ़ कर देना भाई, गलती होगी माफ़ भी आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है आपके पास भी, क्योंकि देखना तो पड़ेगा आपको यही चीज़। ये देखिए गाइस, सामने अंकल जा रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है दिखाने को, पर फिर भी हम इसे देखेंगे क्योंकि इनके पास एक्टिवा है। और ये सामने कोई चाची जा रही है, शायद दीदी हो सकती है ये। और हम लोग स्ट्रेट नहीं जाकर यहाँ से लेफ्ट लेंगे, क्योंकि मामू लोग वहाँ पर डबल हेलमेट के लिए चेकिंग कर रहे हैं, तो चेक लेफ्ट। अब हम चाचा चाची को क्रॉस करते हुए ये गली में जा रहे हैं, और इस गली में लड़कियाँ बहुत रहती है, जैसे ये गली ये गली गर्ल्स हॉस्टल के लिए फेमस है, यहाँ काफी ज्यादा गर्ल्स हॉस्टल है, आप देख सकते हैं गाइस, बहुत कुछ दिख जाएगा आपको। यहाँ पे पूरा कपड़ा में, आधा कपड़ा में, नहीं कपड़ा में भी दिखता है लोग। चलिए चाचा जी, आप तो ले गए हमको, हिम्मत नहीं थी गाइस, कुछ और दिखा सकते थे हम आपको, पर चलिए आप बैक व्यू देख सकते हैं, सामने से दिखाने की हिम्मत नहीं है हमारी, परमिशन भी नहीं है। यू कैन एंजॉय राइड। तो अब हम चलेंगे गोल जिम की ओर, जिम करने नहीं बस देखने बाहर से, क्योंकि हमारे पास करने की क्षमता नहीं है। दिखा देते हैं गोल जिम पर, मोर लगे पर जाएगा, हाँ उतरे जाएंगे वन लेना। देखिए गाइस, ये गोल जिम है, काफी फेमस जिम है, हम बस रोज आते हैं यहाँ देखने के लिए, करते कुछ नहीं है। हम तो मास्क और हेलमेट दोनों लगाए हैं, तुमको नहीं ना तो हमारा है। नहीं रे लगा हुआ है, देखो पीछे हमको नहीं तो हम आ सकता भाई। और हम लोग यहाँ से टेक राइट टर्न, अब हम वापस जाएंगे। हमने एक R15 देखा, काफी गंदा लग रहा था उसके शरीर पे वो गाड़ी, लेकिन फिर भी हम उसका पीछा करेंगे, काफ़ी दूर तक करेंगे, हालांकि वो अब दिख नहीं रहा है, पर कोशिश करेंगे हम उसका पीछा करें। और अभी हम लोग जा रहे हैं हड़ताली मोड़, अब हम हड़ताली मोड़ की ओर अग्रसर हुए हैं। आज हम लोग को सुनने में आया है कि चिराग पासवान की पार्टी का आशीर्वाद यात्रा है, सोच रहे हैं कि कहीं दिखने को मिल जाए, देख लेंगे, अगर मिला तो आप लोग को भी दिखाएंगे, नहीं मिला तो नहीं। चिराग पासवान से मिलने के लिए चाचा दौड़ पड़े थे, आप देखे होंगे, चाचा को रहा नहीं जा रहा की ब्यूटी को, और काफी ब्यूटी है, आंटी भी ब्यूटी लग रही है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर इनकम टैक्स चौराहा की तरफ बढ़ चुके हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आप देख सकते हैं काफी मनोरम दृश्य लग रहा है, काफी सुहावना मौसम गाइस, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा खाली रहता है, बहुत ठंड लग रहा है आज, क्या कहते हो। और हम लोग यहाँ पे कुछ बकचोदी करेंगे, अलाउ नहीं है राइट लेने का, फिर भी राइट लेंगे। अब गाइस ये देखिए, सबसे प्यारा रोड पटना में, ये म्यूजियम है यहाँ पे, काफी सही जगह बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हम आगे पीछे कर रहे हैं, हमारे पास कोई राइट लेके बढ़िया आगे भैया भैया। गाइस ये है यहाँ पर पटना म्यूजियम कहते हैं इसे, न्यू म्यूजियम है ये, जापान की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, बहुत ही विश्व स्तरीय बनाया गया है इसे, आप एक बार जरूर आकर इसका लुत्फ उठाएं। ये देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है ये, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए गाइस, हमेशा इस पे मेहनत चलती है, हमेशा यहाँ काम होते रहता है, हर चीज को नए सिरे से किया जा रहा है। यहाँ देखिए घास कटर से ग्रास काटा जा रहा है। और गाइज ये देखिए यहाँ एंट्री पॉइंट है इस पटना म्यूजियम का, हम जरूर कोशिश करेंगे कि अगले दिन आपको अंदर जाके इसके दृश्यों का आपको भी दिखाएं हम कि अंदर क्या है। गाइज आप देख सकते हैं हम इससे आगे बढ़ते हुए और काफी दूर आ गए हम हड़ताली मोड़ की ओर,
बच गए, अभी बच गए गाइस। ये जो देख रहे हैं आप, ये सियान कलर का जो बैग रखा हुआ है बंदा सामने जा रहा है, बहुत दूर चला गया अब हमारे सामने से। वही हम लोग का टारगेट पॉइंट है, दैट इज अ टारगेट पॉइंट। अब हम उसे ठोकेंगे गाइस, अरे बोलना पुलिस, पुलिस कुछ नहीं करेगा गाइस। ये पुलिस है, अपना है इसके पास, पूरा पुलिस अपना है। चाचा विधायक है इनके गाइस। नहीं चाचा विधायक नहीं है हमारे, तो पुलिस का डर नहीं है इन्हें। ये देखिए यहाँ पे ये नया पुल बना है गाइस, इस पे स्पीड लिमिट रखा गया 80 का, यानी कि 80 से ऊपर आप जाएंगे तभी आपको यहाँ चलने दिया जाएगा, उससे कम में आप सरकार इस हाँ उससे अगर कम होंगे तो आपके जीवन चलो आपका रिस्क सरकार नहीं लेगी, अगर आपका स्पीड कम हुआ उससे तो। हेलो आ रहे हैं हरताली मोड़ पर, कुछ प्राइवेट बातें थी, बात आपने सुन लिया होगा, पर कोई नहीं, इग्नोर कीजिए, इतना कुछ खास नहीं था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये यही तो है पटना की ब्यूटी। इतने रोड बने हैं यहाँ कि लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं, जाए किधर से और निकले किधर से, कन्फ्यूजिया जाता है, कन्फ्यूज नहीं कन्फ्यूजिया जाते हैं, कन्फ्यूजिया जाते हैं जी। हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग कन्फ्यूज है। अरे ये देखिए गाइस, इंडिगो का फ्लाइट जा रहा है, ये नीचे गिर नहीं रहा है, ये लैंड कर रहा है, लेकिन आपको इस फोटो में दिखेगा हम लोग बिहार गिर रहा है और हम गिराते हैं गाइस। अब हम जाएंगे ऊपर, रास्ता नहीं दिख रहा है, हम कोशिश करेंगे कोई यू टर्न मिल जाए आगे से ताकि हम आपको ओवर ब्रिज के ऊपर का दृश्य दिखाएं। नया दृश्य गाइस, आपने देखा नहीं होगा अभी तक, कोई गया नहीं, किसी को परमिशन नहीं मिली है फोन लेकर जाने की, हम पहली बार जा रहे हैं वहाँ। ये बात और हम कुछ ज़्यादा फेंक नहीं रहे हैं, बस बता रहे हैं क्योंकि दो एग्जिट है यहाँ पे गाइस। हम कोशिश करेंगे, सरदार अटल पथ कहते हैं इसे, अटल पथ। देखिए गाइस हम अटल पथ से बाहर निकलने वाले हैं, व्यूटन का कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई जगह नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को दिखाने के कोशिश करेंगे और हम कुछ नियमों का उल्लंघन ब्लॉक से मुड़ेंगे, हम कुछ नियमों का उल्लंघन करेंगे। तो गाइस आप इसका कॉपी न मत कीजिएगा, काफी रिस्की है ये, आप देख सकते हैं स्पीड सिम में अभी हम 100 के स्पीड पर चल रहे हैं गाइस, काफी तेज है हमारा गाड़ी, हम कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा व्यू दें काफी कम समय में, इसलिए स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा गाइस। अभी देखिए 100 से हम 10 के स्पीड पर आ गए हैं, हम वापस उसी रफ्तार पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। जब हम पहुंचने वाले हैं यहाँ का नव निर्माणित ये अटल रोड पर, कूड़ा ना फेंके रोड, देखिए गाइस यहाँ बड़े बड़े LED में लिखा हुआ है रोड पे कूड़ा ना फेंके यहाँ। ये देखिए गाइस यहाँ दंडनीय अपराध है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं आप लोगों के लिए गाइस। ये देखिए पुराना बिल्डिंग गाइस, ये 1986 का बनाया हुआ बिल्डिंग है गाइस, काफी पुराना बिल्डिंग है, लेकिन इसमें आज तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, ये हमारा डेवलपमेंट है गाइस, क्योंकि इसे पुरातन विभाग के लोग देख रहे हैं। कौशल का फोन आया गाइस, अगर आप चाहें तो बात कर सकते हैं गाइस। हमने आपके लिए एक कॉल रोक लिया, काट दिया गाइस, आप देख सकते हैं गाइस कितनी तेज गाड़ी जा रही है, 120 से ऊपर की रफ्तार है इस गाड़ी की गाइस, हम भी जा रहे हैं 100 से ऊपर की रफ्तार में, लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे हैं गाइस। हम आपको आगे का दृश्य दिखा रहे हैं, अब हम पीछे का दृश्य दिखाएंगे, रौनक के नहीं इस रोड के पीछे का दृश्य गाइस। ये देख सकते हैं हम आपके, आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पीछे का दृश्य है गाइस, ये है रौनक राज हमारे ओनर, नो नॉट ओनर, लोकल ब्लॉक, लोकल ब्लॉक के ओनर है ये, ओनर नहीं है ये, ओनर नहीं है, इनकी बड़प्पन देखिए गाइस, ये हमने आपको ऑनर नहीं कहते लेकिन बहुत बड़ा चैनल ये रन करते हैं, नहीं सब आप लोग का है। देखिए गाइस इनका बड़प्पन आप देख लीजिए गाइस, ये सब आपका कह रहे लगाया हुआ है, ये देखिए गाइस कितना प्यारा है, कितना सेफ्टी का यहाँ ख्याल रखा गया है कि चारों साइड से यहाँ लाइट
जो टेम्पर लगा होता है गाइस वो लगा हुआ है। आप तेजी का अनुमान कर सकते हैं गाइस, यहाँ 80 से नीचे कोई गाड़ी नहीं जा सकती है गाइस। लेकिन हम लोग 20 के स्पीड से आपके लिए गाइस, सिर्फ आपके लिए और सेफ्टी पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए गाइस, हम सभी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं गाइस। नॉट उल्लंघन, उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। पालन तो कर रहे हैं गाइस। चलिए मेरे साथ, वेट, आई विल शो समथिंग। यहाँ नीचे का दृश्य दिखाना चाहिए था। चलिए आपको हम नीचे का यहाँ से दृश्य दिखाते हैं, कितना गाड़ी का कलेक्शन है, कितना गाड़ी ऊपर के दिखाएंगे। बोलो आशीष, कुछ बोलो। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका गाइस, आप देख सकते हैं पटना के इस घनत्व को गाइस। ये देखिए, इसे विश्वेश्वरैया भवन कहा जाता है, विश्वेश्वरैया जी के नाम पे इसका नाम रखा गया था। अभी इसमें रिनोवेशन हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आपको पटना के सबसे प्रचलित बिल्डिंग में नाम शुमार होगा इसका। हम लोग जो अभी कहा जाता है, जो अभी नया जो रोड बना है सरदार अटल पथ, उसके ऊपर है। इसके नीचे का व्यू आपको दिखाता है, देखिए ये देखिए, इसके सामने में लेफ्ट साइड में है विश्वेश्वरैया भवन, और ये यहाँ पुल रहा, और राइट साइड में है ललित होटल है ना, सॉरी ललित भवन है ना, ललित भवन है, इंदिरा भवन भी है, इंदिरा भवन भी है पास में। देखिए देखिए कितना स्पीड चला रहा है। चलिए अब आप लोग, हम आगे का व्यू दिखाते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं हम अब आगे चलेंगे, काफी समय हो गया है। बिना कुछ बोले म्यूजिक ऐड करना है, कैसे करें, टाइमलेस रूल्स बनाए करो ना, टाइमलेस रूल्स। जब हम जा रहे हैं हड़ताली मोड़ की ओर वापस से, पता है इस रोड का डिमेरिट क्या है, इसमें उधर से आने वाला है, लेकिन जो आ रहा है उधर से तो समझ रहा है कि आगे पूरा खाली है, लेकिन इधर से भी आदमी जाता है। जैसे अभी हम लोग नियम को तोड़ रहे हैं, सॉरी। ये खासियत है गाइस, ये पटना का खासियत है गाइस, हमारे लोगों का खासियत है। आप मान लीजिए आप अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही गारंटी नहीं है ना कि आपके बिल पे कोई नहीं आ रहा है, आता है, क्योंकि यहाँ कहीं भी सारा डाइवर्जन नहीं है। या तो फिर आगे जाके आप एन कॉलेज के पास मुड़ सकते हैं, नहीं तो उससे अगर राजीव नगर जाकर मुड़ सकते हैं। तो मान लीजिए जो आदमी पुल चढ़ गया उसको मुड़ना है, क्या करेगा, रॉन्ग साइड ही जाएगा। इसको एक छोटा सा एक्सप्रेसवे कहा जाता है, जो इंटरसिटी एक्सप्रेसवे कहते हैं लोग, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। हम इतने भी डेवलप नहीं है कि आप एक्सप्रेसवे बना दें सिटी के अंदर। चलिए, लेकिन अब बन गया है तो पापा का बोला गया गाइस। ये देखिए विजन क्लासेस है, यहाँ विद्या मंदिर क्लासेस है, और ये बड़ी बिल्डिंग है विजन की। गाइस हम यहाँ चूतिया बनते रहे, 2 वर्ष तक चूतिया बने गाइस, उसके बाद पता चला कि हम चूतिया हैं, पर कोई नहीं, अब हम समझदार हैं और हम चूतिया भी हैं, क्योंकि यहीं से हम बने थे। गाइस आप देख सकते हैं हम बोरिंग रोड चौराहा की ओर अग्रसर हो रहे हैं वापस से। ये है यहाँ पे, अरे